तो बात यह है कि हमारी गाड़ी के शीशे हो रखे बिल्कुल काले, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर देंगे और वो छोटा सा लोटस उग रखा है, बोतलें खुल चुकी हैं। तो आज हम सिर्फ भाई बहन जा रहे हैं, इतनी बढ़िया है, एक हाथ में भी आवाएंगे। वहाँ पे ना एक टर्टल है गाइस, किसी में चढ़ देंगे, भगवान तोड़ जगह है, 250 ईयर्स पुराना है। तो ये वो फ्यूल अप कर रहे हैं हम। तो आज हमारे साथ है हमारे सारे भाई बहन कजन्स लोग। अभी मैं मिलाऊंगा सबसे आपको, पहले हम एक इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं। तो बात ये है कि हमारी गाड़ी के शीशे हो रखे बिल्कुल काले, इलीगल है मामला। आगे भी काले थे, निकाल दिए, पर पीछे वाले पे ध्यान नहीं दिया हमने, तो ये सब निकल रहे हैं। तो इन्हें तो आप जानते होंगे, हमारे हमारे बड़े भाई, ये पहले वाले ट्रिप पे आ चुके हैं भैया हमारे साथ। तो आज हम जाने वाले हैं हिमाचल प्रदेश, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, हिमाचल प्रदेश में एंट्री ले लेंगे। तो वहाँ ये अलाउड नहीं होता, वहाँ के रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के मुकाबले। उत्तराखंड में तो चल जाता है आप, पर हिमाचल प्रदेश के जेल में नहीं गुजारना चाहते हम आज की रात। तो भैया हो गए उससे परेशान, वो बहुत छेड़खानी करता है ना, और हमें परेशान कर देता है। तो अब जाके विंडोज हो रही है क्लीन। तो आज हमारे पास है स्कॉर्पियो, भाई और बहन, बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज हम सिर्फ भाई बहन जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जाना है और फुल मस्ती भाई। तो हम पौंटा साहिब से आगे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर देंगे, और वहाँ हम एक सुंदर सी लेक में जाने वाले हैं जिसका नाम है रेणुका जी लेक है। उधर मंदिर है, उधर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, मतलब इस साइड उत्तराखंड है, उस साइड हिमाचल प्रदेश पहुँच चुके हैं। हम पुल के पार हिमाचल प्रदेश है भाई, वो पौंटा साहिब गुरुद्वारा हम वहाँ जा रहे हैं। और ये देखो भाई, खुली खुली नदी, क्या नजारा है भाई, यमुना रिवर क्या सुंदर लग रही है भाई। तो भाई यहाँ फिर से कटेगा टोल, 80 हो गया, 80 हो गया क्या? तो भाई हम परसों हम गाड़ी में आए थे, किस में आए थे, हम एक्सयूवी में आए थे, 50 रुपए, स्कॉर्पियो में आए तो 80 रुपए भाई। बताओ, खुली रोड आ चुकी है, अब बस रफ्तार है भैया की है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे गुरुद्वारा है यार, मतलब यहाँ सिख रिलीजन के लोग ज्यादा है। अभी हिमाचल का मेन एरिया नहीं आया ना, यहाँ पहाड़ लग जाते हैं, वहाँ थोड़ा बदल जाता है मामला, और उन पहाड़ों पे जाना है हमें कहीं। तो यहाँ तक भैया के लिए स्ट्रेट रास्ता था, भैया कैसा लगा? भैया के साथ हम पहले जा रहे हैं लाखा मंडा वाली ट्रिप में, तो वो यही भैया है, अभी आपको आवाज से पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि भैया की आवाज बैठ चुकी है। तो देखो अब रास्ता ऐसे घुमावदार हो रहा है, और भैया का मैंने क्या पीने का स्टिंग, गला खराब है उसकी होशनी है, पर स्टिंग भी नहीं है भाई। रोड देखो कितनी प्यारी प्यारी है, भयंकर पतली सी है पर बहुत प्यारी है, जंगल है दोनों तरफ और पत्ते गिर रहे हैं हल्के हल्के, सुंदर माहौल है, बीच बीच में छाया पड़ रही है ना, मजा आ जा रहा है भाई जाने में। वहाँ ना रेणुका जी में एक लेक है, टेंपल है, तो लेक तो थोड़ा डाउन पे ही होगी, इतनी पहाड़ों पे नहीं होगी। तो आगे पहाड़ क्रॉस करने के बाद थोड़ा नीचे ही वाले एरिया में आना पड़ेगा हमें। बकरियाँ देख लो गाइस, जब अभी तो देना तो ना, और क्या देना, तो हमको अच्छे नंबर तो दे नहीं सकता जब अभी देगा आगे, पर इज्जत तो मेरा कभी देगा नहीं भैया को, उसने परेशान कर दिया भैया को। वीडियो आगे तक पहुँचेगी गाइस, पहले तक तो घर तक पहुँचेगी ये वीडियो। वाह भाई कितनी ऊपर आ गया, वहाँ से व्यू देखो, पूरा देहरादून वगैरह दिख रहा है नीचे, वो देखो भाई पूरा भी धुन धुन जैसे दिख रहा है दिन में, पर सुंदर लग रहा है। 21 किलोमीटर बची है हमारे डेस्टिनेशन, पहलवान बोल दिया अंकल ने, सही पहचान। बाकी हमने स्टिंग्स ले लिया, ये हमें पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं ले है माउंटेन ड्यू, अलग से माउंटेन ड्यू है। यस भाई बोतलें खुल चुकी है, छुपा दी बोतल, छुपा दी भैया ने भाई। व्यू रोड देखो क्या किसी की अच्छी होगी यार भाई, व्यू चेक करो ये वाला, वो देखो पहाड़ कैसा लग रहा है बीच में अलग सही। रास्ते कच्चे हो चुके हैं, प्रॉपर गांव में हम, सुनसान निकला होता मतलब क्या बोले इसे, सुनसान और पीसफुल है भाई, मतलब दूर तक कोई गाड़ी गुड़ी नहीं है, रोड है और हम ही चल रहे हैं बस। पहले पहाड़ हमने बहुत हाइट गेन करी, उसके बाद हम नीचे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि लेक वगैरह और मंदिर वगैरह है तो नीचे ही होगा वो। ना दस्तके ये तेरे दिल की, हाँ वही धड़कने हैं यूं जोर से जो तुझको अब सुन रही हैं। तो भाई हर जगह यहाँ आजकल हम जा रहे हैं, डैम ही डैम दिख रहे हैं हमें, पानी की आवाज क्या भयंकर आ रही है भयंकर। तो यार पानी कम क्यों हो रखा है डैम? हाँ ये डैम इतना पानी रोक रहा है कि रिवर देख लो कितनी खाली है उधर, इतना सा पानी आ रहा है भाई। भाई तो इनकी गाड़ी में भी लिखा है जय माँ रेणुका जी, ये भी यहीं के लोकल्स होंगे। और जो लेक है ना वहाँ पे बोटिंग अलाउड नहीं है अच्छे, पर वहाँ लोटस उगते हैं, पहली बार देखेंगे ऐसे उगते हुए लोटस, तो देखते हैं अगर उगे होंगे तो फिर सही रहेगा, और अगर हम लेक पे देखेंगे तो मजा आ जाएगा भाई देख कर। कितनी घास लगी है भाई आगे तक, वहाँ गाय घास घास चल रही है, और घास बहुत हो गई क्योंकि बगल में ही रिवर है ना। तो यहाँ पे आएगा परशुराम ताल जो कि ये है, वाह भाई यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे एक और लेक है, पहले एक कवर करते हैं।
तो भाई रुक चुके हैं हम परशुराम ताले, यहाँ दो ताले, एक परशुराम ताले और भाई क्या ही सुंदर व्यू है भाई यहाँ ना, जहाँ की मछली है ना ईल जैसी है, मतलब वो बड़ी सी नहीं होती, वो देखने ये रियल बाहर आई है भाई, वो शायद से ईल ही है, मतलब पता नहीं यहाँ होती कि नहीं होती इंडिया में ऐसे। बाकी गाड़ी पार्क कर दी है और वो देखो लोग भयंकर बसे भर के आ रहे हैं यहाँ माता के दर्शन करने। ये वाली मछली दिख रही है आपको, ये देखो ये है मछली, ये दिख रही है मछली यहाँ पे कितनी बड़ी सी है, वहीं पे खड़ी है तब से। तो जो मेरे पीछे ताल है ये है परशुराम ताल और यहाँ एक टेंपल भी है परशुराम का। अब इससे आगे जाएंगे हम, रेणुका जी ताल पड़ेगा और उनका टेंपल, दोनों कवर करते हैं भाई चलो। ओ भाई टेंपल के पास पहुंच चुके हैं हम, मंदिर मंदिर परिसर। पहले गाड़ी लगवाते हैं वहीं पे, पार्किंग मिल नहीं रही हमें तो हम थोड़ा आगे निकल चुके हैं, यहाँ चेक करते हैं। बस भाई मिल चुकी है पार्किंग, तो भाई यहाँ पे भी है रेणुका लेक, यहाँ बोटिंग पॉइंट, कार पार्किंग, टेंपल, जू और ये है भाई सुंदर सी रोड। पार्किंग असल में उधर थी, वहाँ गाड़ी जगह जगह नहीं थी गाड़ी लगाने की, तो हमने इधर लगाई गाड़ी। और कितनी प्यारी रोड है भाई, मतलब सही है सही में। तो घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, हिस्ट्री जानते हैं यहाँ की, इन्होंने निर्माण करवाया इस टेम्पल का। ये है मंदिर परिसर, बाकी टेम्पल कितना प्यारा है, यहाँ सही से जा रखा है, मतलब आस पास यहाँ देखो गार्डन टाइप बना रखे हैं। फिश देखो भाई यहाँ से सही दिख रही है, वो देखो भाई कितनी सारी फिश है भाई, इतनी बढ़िया है, एक हाथ में भी आवाएंगी, ये दो हाथ चाहिए होंगे, दो हाथ चाहिए इसके लिए। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में, तो अब हम आए बच्चे बच्चे और हमें कुछ और हमें पता नहीं प्रसाद का चढ़ाते हैं, दो दो टेम्पल यहाँ और हमें पता ही नहीं क्या होगा, किसी में चढ़ा देंगे भगवान तो हर जगह है। तो यहाँ पे दो तीन टेम्पल है, ये रेणुका माता जी टेम्पल, ये शिव जी का टेम्पल और ये परशुराम का टेम्पल। तो भाई एक पीपल का पेड़ है और यहाँ लिखा है ये 250 ईयर्स पुराना है बैंक, कितना ओल्ड है, और चुनिया बांधी है इस पर माता की। बाकी ये भी एक टेम्पल है और यहाँ पे है बाजी, भाई थोड़ा बजा दीजिए। तो भाई ये है विष्णु भगवान जी और यहाँ इनके 10 अवतार हैं, मतलब यहाँ सारे अवतार हैं ना इनके, सबकी फ़ोटो लगा रखी है। तो भाई ये है टेंपल का ओवरऑल व्यू, 10 अवतार मंदिर, परशुराम मंदिर, सुंदर नज़ारे हैं भाई, मतलब अब पेड़ देखो कितने ऊंचे ऊंचे और बहुत पुराने भाई, 200 साल पुराने पेड़ हैं। बाकी टेंपल के साइड में कितना अच्छा मतलब गार्डन टाइप बना रखा है और रास्ते कितने प्यारे हैं, मतलब यहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है टेंपल, और आसपास का जो व्यू है ना, मतलब गार्डन बना रखा है, रास्ते बना रखे हैं, तो वो बहुत अच्छे फील दे रहे हैं टेंपल को, तो बहुत अच्छा टेंपल है। अरे यार वहाँ पे ना एक टर्टल है गाइस, सही में टर्टल था वो, और नीचे चले गया, आगे आगे आगे, वो देखो वो टर्टल, वही वो देखो किनारे पे आ गया टर्टल, ओ भाई कितना बड़ा है यार, वो वीडियो के चक्कर ही में आया उसको, फेमस होना, फेमस फेम चाहिए भाई को, खाली वीडियो बनाने लाया इतनी दूर से, इधर अब चले गए वापस। बाकी अब समय आ चुका है, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, अब हम जाने वाले हैं लेक के पूरे, इतनी बड़ी लेक है रेणुका जी वाली लेक है जो, और उसके चारों ओर जाने वाले हैं हम, पूरा आपको व्यू दिखाते हैं। मोटा हो गया खा गया और इससे घंटी नहीं बजाई जा रही, चल के बस आगे दिखाते जरा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल लेक के पास, वो ये देखो ऐसी है फिश इतनी बड़ी, तो ये है लोटस जो मैं आपको बताया था ना, ये लोटस के पत्ते नीचे का बेस और वो छोटा सा लोटस उग रखा है, बाकी सामने चेक करो वहाँ पे है बड़े बड़े लोटस, आगे भी होंगे, हम चेकआउट करते हैं लेक को पूरा। और ये लेक बहुत बड़ी है, मतलब आगे तक जा रही है, पूरा सर्कल ले सकते हैं, इसके पूरा सर्किट बना रखा है। यहाँ देखो भयंकर मांटी आटे के गोले बना रही है और यहाँ इन्हें खिला रहे हैं, कितनी सारी जमा हो गई है देख लो, और इतनी बड़ी है ना ये देख लो भाई, भाई यहाँ दुकानें वगैरह है और लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, स्नान घाट है यहाँ पे, अच्छा मतलब लड़कियों के लिए उधर है और लड़कों के लिए उधर है, ऐसे लड़कों के लिए वो है। और कुत्ते नहा रहे हैं भयंकर, पानी थोड़ा गंदा है पर सही है, मजा आएगा, पानी ठंडा है, सही चीज कर रखी है। आगे जाके देखते हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं पर हम खोल देंगे। तो भाई अब इस गेट के बाद ना यहाँ से ये पूरा सर्किट है, मतलब पूरे लेक के गोल गोल घूम सकते हो आप, तो उस साइड भी जाने का रास्ता, इस साइड भी गाड़ी जाती है, पर हमने गाड़ी उस साइड लगाई नहीं तो हमें पैदल जाने में दूर पड़ जाएगा। हम दूर भागे तेरे बिना, गाये हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरे। भाई इस वाली साइड पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई ये घुस चुके हैं हम जू के अंदर, इमू है भाई ये, डक जैसी होती है, डकी जैसे है, पता नहीं इमू क्यों नाम रखा है, ओए भयंकर कितनी बड़ी है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, पैर देखो उसके, ये सबसे बड़े वो होते हैं बर्ड्स एग देने वाले, मतलब इनका एग बहुत बड़ा होता है और बहुत तेज भागते हैं भाई ऑस्ट्रिच। और यहाँ पे भी गुफा टाइप है कुछ, इतने आगे जा नहीं रहे हम, कोई है नहीं है सुनसान पड़ा हुआ, पर बेचारों को कैद रखा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। यहाँ बर्ड्स ही देखी मुझे, अगर और कुछ होगा पता नहीं, पर आगे तो कुछ सुनसान लग रहा था इसलिए हम गए नहीं, कहीं भालू ने हमला कर दिया हम। तो बस इतना ही था, लोटस का तो यार हो नहीं पाया कुछ, पता नहीं दूर से दिखा दिया था मैंने आपको लोटस, पास हम गए नहीं, रास्ता है जाने का पर गए नहीं अब हम। तो भाई गाड़ी में वापस बैठ रहे हैं अपनी, ये ट्रिप इतनी है रही। तो भैया कि स्कॉर्पियो पकड़ ली हमने और भाई क्या ही फील है, मतलब इतनी कुछ गाड़ी बोनट दिख रहा है। और इसी के साथ
ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं हम, बाकी आप वीडियो देखो और देखो हाल देख लो, कल धुलवाई थी हमने, हाँ कल ही, और आज देखो क्या हाल हो गया उसका। इंतजाम साथ लेके चलते हैं गाइस हम, चमकुटी गाड़ी।